वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जो बच्चे को हम छोटे 9 महीने से लेके 1.5 साल और फिर 5 साल 10 साल हर एक के लिए ये इम्यूनाइजेशन में ये सिरिंज स्पेशल आती है। इसको एडी सिरिंज बोलते हैं, ऑटो डिसेबल सिरिंज। ये एक बच्चे को इंजेक्शन लगने के बाद ये डिसेबल हो जाती है। नॉन टच टेक्निक से इंजेक्शन लगाने की ट्रेनिंग दी हुई है हमने। ये खोला, इसको पकड़ा, अब हमने कैप रिमूव करी, इंजेक्शन भरा, बच्चे को ऐसे इंजेक्शन लगाया और वापस हमने भार किया। जब हमने एक बारी वैक्सीन भरी और बच्चे को टीका लगाया, ये देखिए अब ये वापस नहीं आ रहा है, ये डिसेबल हो गया, ये दूसरे बच्चे के लिए किसी भी हाल में नहीं यूज हो सकता। तो ये मैसेज है, वन चाइल्ड वन नीडल वन सिरिंज वन इंजेक्शन। तो ये 100% ये MR कैंपेन है, मीजर रूबेला कैंपेन। ये सरकार के द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कि मीजल एलिमिनेशन प्लस रूबेला कंट्रोल, CRS कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम 2020 तक हमको ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अचीव करना है हमको। तो उसके अंतर्गत सरकार ने ये MR वैक्सीन भेजी है, जिसमें कि मीजल के साथ साथ रूबेला के लिए भी वैक्सीन प्रोवाइड की गई है। तो ये हमारा लक्ष्य ग्रुप जो रहेगा वो 9 महीने से लेके 15 साल तक के बच्चे का ग्रुप रहेगा। इसमें हम हर बच्चे को इम्यूनाइज करेंगे इस टीके के द्वारा, और पहले चरण में हमारा जो 2 हफ्ते का रहेगा वो स्कूल्स में रहेगा, और स्कूल्स को सारे बच्चे कवर करने के बाद हम आउटरीच एक्शन, जो कि आंगनवाड़ी और नॉन ICDS एरिया ओपन एरियाज में हम आउटरीच एक्शन प्लान करेंगे। इसके तहत हमारी जिले की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, ट्रेनिंग चल रही हैं। आज भी हम यहां पर प्रिंसिपल्स और नोडल टीचर्स को सेंसिटाइज करने आए हैं, क्योंकि हम यहां पर जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उससे हर एक एक ग्रुप जो है मास्टर ट्रेनर बनकर जा रहा है, जो आगे फर्दर सोसाइटी को फर्दर मैसेज देंगे। स्कूल्स के लिए हमने रिक्वेस्ट करी है कि असेंबलीज में प्रेयर्स के दौरान प्रिंसिपल टीचर बच्चे जब सब एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो मीजल और रूबेला जो कितनी खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, जिनका कोई इलाज ही नहीं है और सिर्फ एक प्रिवेंशन है जो कि ये वैक्सीन के द्वारा ही प्रिवेंट की जा सकती है, एक छोटा सा टीका और लाइफ लॉन्ग इसका प्रोटेक्शन, कितना आसान तरीका। लेकिन इसमें जन जन तक जब तक हमारा ये मैसेज नहीं जाएगा, हम इसको अचीव करने में मुश्किल रहेगा। तो इसमें हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारा ICDS डिपार्टमेंट और धार्मिक संस्थाएं 100% है, क्योंकि जैसे हमने पोलियो में हर बच्चे को कवर करते हुए जो हमने कहा, एक मैसेज दिया था कि एक बच्चा भी छूटने ना पाए, सुरक्षा चक्र टूटने ना पाए, वही मैसेज मैं MR कैंपेन के लिए दूंगी कि एक बच्चा भी छूटने ना पाए। जो ये वायरस है, ये जो हमने एज ग्रुप लिया है ना 9 महीने से लेके 15 साल तक का,